फंगस को लेकर के तमाम तरीके की भ्रांतियां और तमाम जो एक पैनिक की सिचुएशन इंडिया में खासतौर से बनी, उसके एक सीधा साधा सवाल ये कि क्या दही भी इस फंगस में, दही में भी ये फंगस इस तरीके का उपस्थित होता है? यदि दही कई दिन की हो गई है तो सबसे मेन चीज क्या है कि देखिए, ब्लैक फंगस को या व्हाइट फंगस, ओके, दोनों एक ही चीज है, तो इनको डिफरेंशिएट करके देखने का जरूरत नहीं है, एक तो ये बात है। और ब्लैक फंगस तो हमारे चारों तरफ शुरू से रहा है और हमेशा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी मृत चीजें जो होती हैं, चाहे वो कोई किसी प्रकार का कोई एनिमल हो या कोई प्लांट मटेरियल हो या फिर लीव्स हो या बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर हम जो कंपोजिट तैयार करते हैं, तो उस सब जगह के ऊपर जो ब्लैक फंगस है वो उन मृत चीजों के ऊपर उनको यूज करके उनके जो जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वापस वो मिट्टी में मिक्स करता है। ये काम जो है जनरली ब्लैक फंगस का है। तो ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन इससे बचने के लिए खास करके इस स्थिति में हमको क्या करना है कि अपने आसपास में हमको किसी भी प्रकार की ह्यूमिडिटी नहीं रखनी है, नमी नहीं रखनी है, और हमको चारों तरफ एक हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीननेस करना है। और एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है कि जब घर में कोई प्याज वगैरह लेके आता है तो प्याज कैन बी ए गुड सोर्स, क्योंकि प्याज के कुछ लीफ या उसके पत्ते या उसके आगे पीछे आप बहुत बार देखोगे कि ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है, खास करके प्याज के ऊपर। और जब आप उस प्याज को जब आप ओपन करते हो ओनियन को, तो किसी तरीके से जब आप ओपन करोगे और वो टूटता है तो यू कैन इनहेल इट। और यदि उस समय पर आपकी अगर इम्यूनिटी जो है वो कम है, खास करके इस कारण से क्योंकि आपको कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद में आपको लॉन्ग टर्म तक शायद आपको स्टीरॉइड लेने पड़े हैं रिकवर होने के लिए, तो उस समय पर एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है और वो आपको और ज्यादा ससेप्टेबल बना देता है। तो इससे बचने के लिए हमको यही करना चाहिए कि हमको आसपास इस चीजों का ध्यान रखना है, और खास करके हमारे जो टॉयलेट्स या बाथरूम्स होते हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना है, क्योंकि बहुत बार हमारे जो टाइल्स के बीच में जो छोटी छोटी गैप्स जो जगह होती हैं, वहां पर यदि आप माइन्यूटली अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि वहां पर ब्लैक कलर के कुछ डॉट डॉट जैसे बने हुए हैं, वो ब्लैक डॉट और कुछ भी नहीं, दैट कैन बी द ब्लैक फंगस। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट अवर टॉयलेट्स आर क्लीन, अवर होम आर क्लीन, देयर इज ए नो ह्यूमिडिटी इन द एनवायरमेंट यू आर लिविंग। और जो जिस तरीके के पेशेंट्स भी हैं जिनको के कोविड हुआ है और स्टीरॉइड जिन्होंने लिया है, वो अपने घर के अंदर एक डी ह्यूमिडिफायर भी यदि रखेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा।